एमएलए तो बनाएंगे लेकिन मंत्री का भी आशीर्वाद देंगे। भाई हमारे सामाजिक कर्तव्य हर चीज बिना कहीं समझता है। कितना साफ छवि का नेक विधायक कितना चिराग लेगा तो आगे जी भी नहीं पाओगे। कटवाल गांव से सबसे ज्यादा लीड देख भेजेंगे प्रोदाल खंड। पूरे हल्के में अब बालू बालू हो रही है। एक बार हुड्डा साहब खड़े होंगे ना सारे नस मस्तक होकर और उनके चरण में आ जाएंगे। पेंदर की थोड़ी सी ज्यादा मेरे को पैन ज्यादा वाली पेंदर की। हमारे लोग थोड़े भाव थोड़े हैं, सादे हैं बेचारे। वोट तो जब काटेंगे सब कौन जिंदा हो। भाई जो मेरा साथी बड़ा भाई जो भी आपने कहा वो कभी ना कांग्रेसी था। कड़वा सत्य है कांग्रेस का कोई साथी आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ा। आज कल तक तो मैं 60,000 पारे। अच्छा। आज मैं 70,000 पारे। नमस्कार, सत्य खबर पर आपका स्वागत है। चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चा है और जूतम पैजार है तमाम राजनीतिक दलों में। कहीं कहीं अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, उनमें से उनमें कितनी सच्चाई उनकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव इतना हॉट हो गया है। आज मैं इस बड़ौदा की हॉट सीट पे बात करूंगी और बड़ौदा का ये हॉट सीट इसलिए हो रही है कि भूपेंद्र हुड्डा इसको अपना गढ़ मानते हैं। जब सरकार थी डबल इंजन की तब भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को चुना। लंबे टाइम से कांग्रेस इस पर काबिज है और इंदुराज पर तीसरी बार कांग्रेस ने दांव खेला, लेकिन मुकाबले में कांग्रेसी नेता डॉक्टर कपूर नरवाल के आने से और भारतीय जनता पार्टी का प्रदीप सांगवान आने से इस चुनाव में और दिलचस्प हो गया है। एक एक मिनट की लोग आपस में सोशल मीडिया पर खबर ले रहे हैं कि अब माहौल कैसा है। इंदुराज पर भूपेंद्र हुड्डा बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको अपना छोटा भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं और इंदुराज भी भूपेंद्र हुड्डा की शरण में है। आजकल वैसे तमाम नेता मतदाताओं के चरणों में हैं, बाद में ये मतदाताओं को चरणों में रखते हैं वो एक अलग विषय, उस पर भी बात करेंगे। मैं रोज हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन आज हमने महिलाओं को तवज्जो दी, महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि राजनीति में पर्दे के पीछे इनकी दखलअंदाजी, इनकी चर्चा क्या रहती है, किस तरह की या सिर्फ घरेलू बातें होती हैं, जानने के लिए कटवाल गाँव में है पूर्व सरपंच है क्या नाम है इनका, सुभाष, सॉरी हाँ सुभाष कटवाल के नाम से फेमस है ये और आज उनके घर पे ये चौपाल जमी हुई है, ये किस बात को लेकर एकत्रित हुई है जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो उनकी धर्मपत्नी है, बड़ी सेहत बना रही हो। हाँ जी, हम इंदुराज नरवाल ना भारी मतों से जिता कर भेजेंगे। अच्छा। और एमएलए तो बनाएंगे लेकिन मंत्री का भी आशीर्वाद देंगे। पहले तैयारी करे बैठे थे भाई, ये आदमी खुश हो रहे हैं कि हम ही चर्चा करते हैं, हम ही माहौल बनाते हैं। नहीं, महिलाएं भी चूल्हे चौके के अलावा ये भी जानती हैं कि राजनीति में किसको क्या करना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस बार उनको मंत्री बनना चाहिए? ये हम इनके अच्छी सोच है, अच्छे विचार है। इनने भूपेंद्र हुड्डा का बहुत काफी समय से साथ दिया है और जो बुरा वक्त था उस समय पर भी है कंधे से कंधा मिला के चले, इसलिए। अच्छा, अखबार पढ़ते हो या सोशल मीडिया देखते हो, इस बात को कैसे जानते हैं आप? हम तो वैसे ही जानते हैं, हमारा भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ अच्छा रिलेशन है, मेरे परिवार से भी रिलेशन है और मेरा ससुराल से भी है। मायका कौन सा फिर? मेरा मायका भाद्रगढ़ है, मेरा भाई बलबीर उर्फ काला है। अच्छा। और उसका तो शादी में भी आना जाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे घर शादी में भी आते जाते हैं। आप तो भगत है, आप तो भगत है, पता चल गया भूपेंद्र हुड्डा के। आपका क्या नाम बताओ? सुलोचना जी, क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, ऐसे मत कहा करो कि कुछ नहीं करते। एक महिला जो घर को नहीं, एक जो महिला घर को संभालती है ना जी, वो पूरे समाज का निर्माण करती है। आदमी चले जाते हैं, औरतें संभालती हैं। मैं आज भी कहीं एक विधानसभा में थी तो मैंने कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जहां आदमी कहेंगे हम तो वहां डाल देंगे। आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा अपना विचार है, वोट का अपना सबका अधिकार है, जहां मन ठुकेगा वहां डालेंगे। एक अच्छा है, गरीबों का मसीहा है, जमींदार का बेटा है, भाई हमारे सामाजिक कर्तव्य हर चीज बिना कहीं समझता है, क्या करना चाहिए, जमींदारों को क्या चाहिए, हमारे गाँव का जो कैसा विकास होना चाहिए। शहरी आदमी क्या समझेगा, वो तो जो जिस चीज में पड़ा वो ही तो जानेगा भीड़, तो ये तो सब चीजें उसी के लिए। पिछले कई दिनों से चुनाव को कवर कर रही हूँ, कांग्रेस खिलाड़ियों की पिटाई को लेके, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा इन मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये असर क्या गांव में भी है आपके? हाँ, है ये पहले से ही है। पहले से? अच्छा, ये तो मेरे को पैसा ही बोलना होगा। हाँ, ये सच्चाई, इसमें क्या झूठ है, ये तो गांव देश के बीच में हुआ है, इसमें ये मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ इस बात के लिए।
लेकिन लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बसों पे भी देखा होगा आपने, हरियाणा नॉन स्टॉप दिखती हो जब हरियाणा नॉन स्टॉप का मतलब भी हमने इतने काम करवा दिए भारतीय जनता पार्टी का, 10 साल से ये बात है। उदाहरण तो करवाए हैं सर। ना ना ना, भारतीय जनता पार्टी का था ना पिछले 10 साल से, तो वो कहते हैं हमने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। आप बोलो, इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे। भारतीय इन्होंने कुछ नहीं करवाया सिवाय लोगों की बेइज्जती करी, किसानों की बेइज्जती करी, खिलाड़ियों की बेइज्जती की, सरपंचों की बेइज्जती की, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हार के मारे बौखला कर कुछ न कुछ तो अपना बनाएंगे। अच्छा, ये रोजाना बैठते हो या कभी कभी यहाँ जो आते? अच्छा, रोजाना अपने परिवार के सदस्य। अच्छा, बालू बालू से मिले हो कभी? मिले थे। मैं इनसे पूछे मिले तो, और भूपिंदर हुड्डा से मिले थे। भूपिंदर हुड्डा दीपेंद्र को देखा है? मनोहर लाल खट्टर को देखा है? खट्टर साहब को रियल में नहीं देखा। 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गए, देखा ही नहीं? नहीं देखे। भूपेंद्र हुड्डा तो हमारे घर आए, दीपेंद्र हुड्डा कई बार हमारे घर आए। तो अच्छा, आप एक बार बताओ ये जो महिलाओं की चौपाल जमी जमाई पे आप पहुंचे हैं? हाँ जी, ये सभी की सभी इंदुराज नरवाल के लिए आई हुई हैं और ये अपने गांव से ज्यादा वोट देके और इनको विजय करेंगी। और महिलाओं अपने मुद्दे भी रखती होगी सारे के सारे। हाँ, ये सरपंच ने इनको कमाल फिल्टर पड़ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। और फिर एक और है, हुड्डा सरकार आए पीछे इंदुराज नरवाल अगर विधायक बनाते हो आप लोग लाख का, तो सारे महिलाओं के मुद्दे उठाओगा। सरकार नहीं थी जब भी हमारे बीच में रहे इंदुराज नरवाल, हमारे दुख सुख में भी रहे, हमारे जो काम थे वह भी किए हैं और सामाजिक काम जो से जाए वह भी किए हैं उन्होंने, जो पारिवारिक काम थे वह भी किए हैं। और एक इतना साफ छवि का नेक विधायक कितना चिराग लेगा तोड़ेंगे जी, जब भी नहीं पाओगा इस बात ने भी जान कर लियो। अच्छा, आज महिलाओं ने चौपाल जमाई तो बारिश भी आ गई है। मेरे पीछे एक और बैठे हैं चुपके से, वोट तो अपनी पसंद की होती है और सबके काम किए। अच्छा अच्छा, बताओ फिर आपके भाई से कितनी बार मुलाकात हुई है? मुलाकात तो जो उनतीरा है सारी आना और बहुत बढ़िया काम करे, इसे किसी ने भी नहीं करे, जो मेरे भाई ने करे है, चाचा ताऊ ने करे है, अरे आगे भी बनना चाहिए हम तो ये कहा है। इनके चुनाव प्रचार को लेकर आप जाती हैं कि भाई मैं उस गांव की हूँ? और कभी नहीं, शर्म आती है, जाती नहीं हूँ कभी, आया हाड़ मिलने हैं पर बोल नहीं हूँ कभी झूठ बोलू। हाँ, मानता नहीं थी कभी? नहीं मानता, क्या जरूरत है, बस मेरा भाई काम करता रहा, मतलब वही धन्यवाद है। बहुत बड़ी बात है। और ये भी है, आप भी थोड़ा सा मुझे बताएं, इधर आ जाएं। तो पूरी गलियां की सड़कें टूटी बुरी हालत में हो रही है, तो क्या ये मतलब काम नहीं हो पाए? काम नहीं हो पाए 5 साल कुछ हुआ? काम नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। इस बार आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कुल मिला के क्या माहौल रहेगा? जब आप इतनी अपने गांव की जानते हो तो हरियाणा की अच्छा माहौल कम से कम 60-70 सीटों से जीतेंगे और इंदुराज नरवाल को सबसे ज्यादा लीड देकर कटवाड़ गांव से सबसे ज्यादा लीड देकर भेजेंगे अब्रोदाल के में। भाई देखो, महिलाएं शायद अखबार भी पढ़ती हैं, सोशल मीडिया भी देखती हैं और लीड की जो बात कर रही हैं कि भाई उनको पता है कि लीड का मतलब होता क्या है। जैसे कि पहले मतलब अब ये रेल लैच रही हुई है कांग्रेस पार्टी की, उड्डा उड्डा हो रही है कि पूरे हलके में डोर टू डोर इंदुराज नरवाल के साथ हूँ सुबह से, और पूरे हलके में अब बालू बालू हो रही है। अच्छा, बालू का केप बना के छोड़ोगे अभी? नहीं, बालू को भी दायक बना के छोड़ देंगे। 60,000 रेखा, मेरी एक बात बताओ, मैं सुबह गन्नौर थी, पानीपत थी, संभालता थी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली जो दावेदार थे कल तक, वो क्या कहते होंगे? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसे में हुड्डा की सरकार कैसे बनेगी? नहीं, एक बार हुड्डा साहब जो हमारे हल्के में होंगे ना, चाहे कोई भी होया, एक बार हुड्डा साहब खड़े होंगे ना, सारे नस मस्तक होकर और उनके चरण में आ जाएंगे, एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबने हुड्डा साहब का चेहरा दिखा है। ये थोड़ी बहुत नाराजगी होगी मालिक किसी कैंडिडेट में रह रही होगी, लेकिन जिस दिन दीपेंद्र भाई और हुड्डा साहब आओगे उस दिन सारी नाराजगी दूर होकर और एक दूसरे का सहयोग करेंगे जी, और करना भी चाहिए। अंतनियों को माह हुड्डा साहब जिसने आशीर्वाद दे हैं उस तय बढ़ चढ़ कर वोट आता जताना चाहिए, चाहे इंदुराज बालू होया कोई भी होया कैंडिडेट कोई भी।
एक बहुत ही वो बिल्कुल यंगेस्ट हैं, ये तो थोड़ी सी बड़ी वोटर हैं, नई लड़कियां हैं, नई हैं, इनकी भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। कई कई बार वोटिंग कर चुकी हैं, कुछ नई भी हैं लड़कियां जो अपने मायके से आके यहाँ, मतलब बहू के तौर पर उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो नया यंगेस्ट है वो क्या सोचते हैं? अखबार पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। और सोशल मीडिया भी देखते होंगे, तो क्या अच्छा क्या लगता है इस बार? वैसे कुल मिला के अपने मन की बात बताएं। नहीं जीतेगा बिल्कुल, और उड़दा तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, जैसे ये खट्टर साहब, ये तो कुछ भी नहीं, ना कभी आते हैं ना कभी कुछ देखते हैं कि गलियां कैसी हैं या पानी आता या नहीं आता, कुछ भी नहीं है, करते हैं ये, आते हैं देखते हैं, हम जैसे हम नॉर्मल आदमी, हमसे भी बातें करते हैं और अच्छे से बातें करते हैं, बनेंगे बिल्कुल, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे। सरकार लगता है कि बिल्कुल आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इतनी बार वोट की है आपने? मैंने तो 7-8 बार दे ली। अच्छा, तो मैं हमेशा उड़ा की डालती हूँ। अच्छा, कांग्रेस की दीपेंद्र की थोड़ी सी ज्यादा मेरे को फैन ज्यादा है, दीपेंद्र की बहुत ज्यादा, मेरे घर वाले भी हैं उड़ा के। कौन सा मायका? बोर। अच्छा, आप तो फिर उड़ा की फैमिली के हो गए, क्योंकि बोर बलियाने वाला तो वहाँ उड़ा की कोठी में भी कब्जा कर रखा है भाई, क्योंकि मैं परसों जब उनका बर्थडे था तो वहाँ हम कुछ कार्यक्रम अटेंड करने गए थे, तो बोर बलियाना बड़ा फेमस गांव है। और चलो कुछ और लोगों से बात करेंगे, आज महिलाओं की चौपाल थी और बहुत दिलचस्प बात की उन्होंने, क्योंकि जब सरपंच ने इतनी ताकतवर है तो इनकी पुत्रवधू से भी पूछ लेते हैं। क्या मतलब आपको लगता है कि जो आपके परिवार जो बात कर रहा है वो कितना ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है परिवार में भी असहमति हो जाती है, उसको हम लड़ाई नहीं कह सकते, परिवार तो हुडा साहब का साथ दे रहा है, तो बच्चे और उनकी पुत्रवधू क्या सोच रहे हैं? हम भी यही सोचते हैं जो हमारे बड़े सोचते हैं। नहीं कई बार क्या होता है कि भाई हो सकता है बड़े कुछ ठीक ना सोच रहे हो। बहुत अच्छा सोच रहे हैं पापा, हम तो यही चाहेंगे कि आप भी बने, अगले साल 5 सालों बाद भी बने, उससे आगे भी बने और मंत्री पद पे जाएं, इससे आगे तो हम बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ौदा हल्का के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो कटवाल गांव में आए, मैं ग्रामीणों में से बात कर रही थी। एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक तो सरकार के खिलाफ मुद्दों की लड़ाई, एक अपनों से लड़ाई, और उन मुद्दों को लोगों के बीच में भरोसे से किस तरह से जताएं, उस बात को लेके इंदुराज जो नरवाल है, मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी। नरवाल साहब, बड़े मुद्दों को लेकर जिस तरह से एक आप महसूस करवाने की कोशिश करें पिछली यादों को, क्या लगता है कि लोग मुद्दे भूल गए हैं? आप जो याद दिलवा रहे हो? नहीं, मैं मुद्दे भूले नहीं है, लेकिन मेरा, मैं इस हल्का बड़ौदा का हाल भी विधायक हूं और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। मैं जब वोट की अपील किसी भी गांव में करने जाता हूं तो मैं मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे लोग थोड़े भावुक भोले हैं, सादे हैं बेचारे, समझदार बहुत हैं। इस को मैं याद दिलाना इसलिए चाहता हूँ कि आप उन 750 किसानों को, उन 750 किसानों को याद रखना जिन्होंने इस देश और प्रदेश के किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी, और जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपके लिए शहीद हो गए उनको याद दिलाने का मैंने काम किया। चाहे हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, और बहुत सारी बेटियां तो ऐसी थी जिन्होंने अपनी आवाज उठाई नहीं, डरगी, उनको याद दिलवाना मेरा फर्ज है कि आप इस प्रदेश की और देश की जो तानाशाह सरकार है, जो हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करती है, अगर आप हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री, खेल मंत्री की भी आप बात करोगे, हमारी जो कोच खिलाड़ी हमारी बेटी है उसके साथ बड़ा अन्याय किया, उसके साथ भी दुराचार किया, और हमने विधानसभा में भी उसकी लड़ाई लड़ी, उस बेटी ने भी रोड पे पंचायतों ने लड़ाई लड़ी, इस बीजेपी की सरकार ने, खट्टर खटारा सरकार ने उस बेटी की सुनाई नहीं करी। बिल्कुल, एक साल से आप इन सारी चीजों को लेकर सड़कों पर लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई आपकी अपनों से होगी, इन मुद्दों के साथ जो भी दावेदार थे, जो नेता थे, वो आपके साथ थे, आज आपके खिलाफ है, एक आपको ये भी तसल्ली देनी पड़ रही है कि भाई वो वोट काटू। देखिए, मेरे कोई शब्द शायद नहीं सुना होगा आपने, अगर वोट काटू वोट भूपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल सीधे कह रहे। देखो जी, मैं सही कह रहे हैं नेता जी, हमारे नेता हैं, लेकिन इस हल्का बड़ौदा की मैं बात करूं, वोट तो जब काटेंगे जब कौन न देंदा हो,
लेकिन फिर भी एक लड़ाई ये भी लड़नी पड़ रही है कि भाई जो बीच में आए थे कल तक हमारे साथ थे, मैंने भूपेंद्र हुड्डा की स्पीच सुनी, आज मैं सुबह कुलदीप स्पीकर जी से भी बात कर रही थी, एक ये भी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है कि भाई वोट पार्टी को जानी चाहिए, उन्होंने कहा मेरे। देखिए जिसने कभी आपने जिक्र करे हल्का बड़ौदा की मैं बात करूंगा, जो भी भाई जो मेरा साथी बड़ा भाई जो भी आपने कहा वो कभी ना कांग्रेसी था, अच्छा अपने मतलब पाया था, और बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा कि उन्होंने बीजेपी की भी टिकट मांगी, भाई कांग्रेसी कहा से था। एक बात आज के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हल्का बड़ौदा का जो भी कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का साथी था, जिसका खून में कांग्रेस है और थी, आज तक एक भी नाम आप मेरे को बता दो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ठोक बजा कर आऊं, आगे एक भी साथी कांग्रेस छोड़ के गया हूं, सभी साथी मेरे साथ हर गांव में साथ चल के कांग्रेस की वोट की अपील कर रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं कि आप कांग्रेस की वोट दें और इस प्रदेश को बचाने का काम करें। ये कड़वा सत्य है, कांग्रेस का कोई साथी आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ा। अभी तक कितने गांव कवर हो पाए, क्योंकि आप एक एक गांव में कई कई घंटे लगा देते हैं, तो ये सारे गांव हो जाएंगे कवर? मैं नहीं लगाता कई कई घंटे, मेरे प्रति लोगों का जो आशीर्वाद है, माताओं का बहनों का, आप जिस भी गांव में एंट्री करता हूं तो सीमा पर लोग खड़े हैं सैकड़ों की ट्रैक्टर की तादाद में, मोटरसाइकिल, और वहां भी बड़े बड़े ग्रुप साथ में आशीर्वाद देने के लिए। और जब मैं गाँव की गली में एंट्री करता हूँ तो मेरी चाची, ताई, माँ, बाण गली में निकल आती है और मेरा सर पुचकार का आशीर्वाद देने का काम करती है, इसलिए सब अभी का टाइम लगता है, इसलिए लेट हो। बड़े नेता कब आ रहे हैं आपको और इस जनता को आशीर्वाद देने और वोट की अपील करने? देखिए बड़े नेता बना अभी तक नहीं, अभी तक नहीं बना है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, मेरे पार्टी के मेरे आदरणीय दोनों नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, वो जरूर इस हल्का बड़ौदा में आएंगे, क्योंकि हल्का बड़ौदा उनका घर है, नूं तो उन्हें बेरा है, अकबर हल्का बड़ौदा ने जिता दिया बहुत बड़ी वोटा थे, आज कल तक तो मकूं 60,000 पारे, आज मकूं 70,000 पारे, एक तरफ इस बात का भरोसा है, लेकिन किसी का कोई मैटर नहीं है, 40 सरपंच, 40,000 सरपंच और पूरा 36 बरादरी हमारा ऐसा भाईचारा है, टोटली इंदुराज नरवाल के पक्ष में काम कर रहे हैं, हरियाणा रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी है दिलबाग मलिक, बड़े अग्रेसिव हो, लेकिन ये जिसकी भी सरकार हो उसके खिलाफ सीना ठोक के लड़ाई लड़ा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। क्या जी भाई दिल बदल गया के क्या? नहीं दिल नहीं बदला बहन जी, वही दिल है और वही दिमाग है। देखो हमने सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, भाई साहब ने भी लड़ाई लड़ी, हमारे समर्थन में भी, अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं, हमारा जो अधिकार होता तो भाई साहब भी आते थे, पूरी कांग्रेस पार्टी आती थी। और मैं तो बहन जी एक बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ मतों से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा नंबर होगा जी, इंदुराज भाई को बनवाएंगे, और आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से एडवांस में इनको मंत्री जी की मुबारकबाद देते हैं। भाई बड़ौदा हल्के में लंबे टाइम से विधायक जी, बड़ौदा हल्के में लंबे टाइम से वो झंडी वाली और लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं आई, इस बार लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, लगता है आपके माध्यम से बता रहे हो। सुखबीर फरमाना जी ने एक बात कही थी, अगर कोई सबसे नजदीकी हुड्डा परिवार का कोई बेटा या भाई है तो सिर्फ एक ही नाम उसका, इंदुराज नरवाल बालू जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विधायक का कार्यक्रम था और लाल बत्ती की गाड़ी की भी जो एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई बिल्कुल उनसे अब दूसरे गांव में इनका जत्था रवाना हो गया है। हम लगातार कांग्रेस बीजेपी को कवर करके माहौल को चेक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या मुद्दों पर वोट देने की तैयारी है, या यहाँ भी भाई भतीजावाद या गोत्र पे या बिरादरी पे कोई बात, मुझे ऐसी कम से कम कटवाल गांव में नजर नहीं आई। कटवाल गांव से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।